15 दिसंबर को राजस्थान में नए युग की शुरुआत हुई। 22 साल बाद वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत से इतर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के कुछ घंटों बाद ही दोनों डिप्टी सीएम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दोनों डिप्टी सीएम ने अपने शपथ में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात कही थी। इसे लेकर एक वकील ने हाईकोर्ट में दोनों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। आज दिनांक 16/12/2023 को मेरे द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत करके राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए दिया कुमारी जी एवं प्रेमचंद बैरवा जी के उप मुख्यमंत्री पद को चुनौती दी गई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, केवल मात्र राजनीतिक पद है जो कि असंवैधानिक है। दरअसल डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। राजनीतिक और जातिगत संतुलन को साधने के लिए डिप्टी सीएम की पोस्ट का प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले कैबिनेट मंत्री के समान ही होते हैं। इनके पास वही अधिकार होते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं। इसलिए आमतौर पर जब भी डिप्टी सीएम शपथ लेते हैं तो मंत्री पद की शपथ ही लेते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दोनों को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई, जिस पर विवाद हो गया। वकील ओम प्रकाश सोलंकी से पहले राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शपथ ग्रहण के आमंत्रण पर सवाल उठाए थे, जिसमें दोनों के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने का जिक्र था। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ का यह कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई थी। 6 महीने पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर डीके शिवकुमार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उप मुख्यमंत्री पद को चुनौती देने के संबंध में राजस्थान से पहले भी अलग अलग राज्यों में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को ये कहकर खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।